हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूओ किन्सी इंस्पेक्टर कोर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस प्लेट का मार्किंग कर रहे हैं, कटिंग करना है। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे फैब्रिकेटर साहब हैं जो अभी मार्किंग कर रहे हैं इस प्लेट पे, और इसके हिसाब से हम लोग इसको कटिंग कराएंगे गैस फ्लेम के थ्रू। सो ये प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग बोलते हैं इसको, जिसमें ऑक्सीजन और एलपीजी गैस का मिक्सअप होता है और इसके द्वारा हम लोग कटिंग करते हैं। सो आप लोग देखते जाइए वीडियो में कैसे हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। सो ये फिर से ये अपना ये लाइन वगैरह बना रहे हैं, इस पर मार्क कर रहे हैं कि हम लोग को कटिंग कैसे करना है, किस लेवल पर। तो आप लोग बस देखते जाइए कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। पहले हम लोग मार्किंग करते हैं, उसके हिसाब से इस पर हम लोग कटिंग करेंगे। सो आप देखते जाइए बस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस पर हम लोग वो मशीन को मूव कराते हैं उसके हिसाब से। तो सो लेकिन ये जो फैब्रिकेटर है, ये स्केल का ही काम कर रहा है इससे। तो देखते हैं फिर। और हम लोगों ने पहले से भी एक प्लेट पे मार्किंग किया था, तो उसी पे पहले कटिंग करेंगे, देन आफ्टर इस पे हम लोग करेंगे। सो मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले मार्किंग। देखिए, जैसे ये प्लेट है, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी मार्किंग कर चुके हैं। सो इसको हम लोग बराबर एक लेवल पे कर रहे हैं, ताकि इसको गैप चाहिए रहता है ग्राउंड लेवल से, ताकि ये कटिंग होता है तो इसमें एयर पास होने का स्पेस चाहिए, इसलिए हम लोग ये ज़रूरी है करना। सो ये कर रहे हैं और ये सफाई कर रहे हैं। अगर ये अगर साफ़ नहीं रहता है या डस्ट रहता है तो फिर मशीन मूव नहीं करता, वो रुक जाता है। इसके वजह से ये झाड़ू वगैरह इस पर डाल रहा है। ये बंदा जो है, ये टेक्नीशियन है, ये कटिंग भी करता है, तो इसको मैंने लगाया इस पर ताकि ये कटिंग करे। तो ये पहले अपना सेटअप करेगा, तो सेटअप होने के बाद ही ये, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख रहे हो, एलपीजी सिलेंडर, और ये मशीन है कटिंग मशीन। तो इसको ये वायर वगैरह सब इसका सेटअप कर रहे हैं, फिर उसके बाद देन आफ्टर ये कटिंग करेगा। सो पहले सेटअप करने के बाद आप देखते जाइए कैसे प्रोसेस किया जाता है। ये दोनों होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन लेवल सिलेंडर प्लस एलपीजी, क्योंकि और इसमें क्या ना है कि इतना प्रेशर हम लोग डालते हैं दोनों का, तो ये कितना भी थिकनेस रहता है, 40 mm, 50 mm, प्लेट तक 80 mm थिकनेस तक प्लेट को भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं आसानी से। सो देखिए, ये जो है ये चेक कर रहा है कि स्ट्रेट लेवल सही है या नहीं, 90 डिग्री बेंड तो नहीं है। सो ये चेक करने के बाद ये मशीन को फिट कर रहा है। सो ये लेवल चेक कर रहा है कि लीनियर लेवल में है या नहीं, कहीं मिस अलाइनमेंट तो नहीं है, ताकि कटिंग के टाइम में ये गड़बड़ हो सकता है फिर, इसलिए पहले ही चेक करना ज़रूरी होता है। प्लस ये ऑक्सीजन लेवल वगैरह एलपीजी का सब सेटअप कर रहा है, उसके बाद देन आफ्टर हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। सो ये पावर केबल लगा रहा है मशीन का। पावर केबल लगाने के बाद ये मेन स्विच से इसका पावर देगा, फिर उसके बाद से ये आगे का प्रोसेस करेगा। सो ये मशीन, इसका इसमें क्या इशू है कि ये मूव नहीं कर रहा है, लगता है इसमें क्या ना डस्ट वगैरह आ गया, इसके वजह से ये मूव नहीं कर रहा है। फिर इसको साफ़ करना पड़ेगा हटा के। सो इसके लिए ये हो गया सेटअप, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या है ना कि ऑक्सीजन का लेवल और ये एलपीजी का, ये ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये डीप पेनेट्रेट कर सके, इसको कटिंग कर सके इस थिकनेस में।
सो देखिए ये लोग ये अपना प्रोसीजर कर दिया और यहाँ पे प्लेट का कटिंग हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कैसे ये कटिंग करता है। सो ये प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीफ्यूल एसिटिलीन गैस कटिंग भी बोलते हैं। सो ये हम लोग मार्किंग किया था उसके हिसाब से ये बंदा कटिंग कर रहा है। अगर ये अगर आप चाहो तो जहाँ से आपको कटिंग करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हो मार्किंग के हिसाब से। फिर या तो आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा या मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया आपको, देखिए कैसे। और ये गैप देना इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि ये इसका पेनिट्रेंट होता है फ्लेम का, ये नीचे तक जाता है उसके वजह से इसमें ज़रूरी होता है देना। आप देख सकते हैं कैसे इसका कटिंग हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।